कि हनुमान जी जैसे सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए यहाँ रुके, पक्षों का अनाज खिला दिया सर्दी और बरसात में, 800 किलो अनाज पड़ रहे। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान के कहने का मतलब यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। बहुत ही अलग अलग प्रकार का कबूतर आया करेट है। ये मंदिर का आकर्षण जो है एक तो कि आप प्राकृतिक एकदम बिल्कुल एकदम नेचुरल जो की है मूर्ति है। फ्लिके प्रस्तुत करता है झलको राजस्थान शो। थे सब देख रहे हो झलको राजस्थान सगला जगह दर्शक क्या बने। राम राम। और अबार में हूँ, भीलवाड़ा हूँ, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर पुर जगह जगह है बटा हूँ। और पुर का मायने है क्यारा का बालाजी को मंदिर। अबार में था ने क्यारा का बालाजी का जगह है दर्शन है जगह करवा बड़ो हूँ। ब्यू पहला आपने जो को चैनल है झलको राजस्थान बिना सब्सक्राइब कर करने जो को बेल आइकन है बिना दबा लियो। और जिये थे बेल आइकन दबाचो बयान बयान में थाने धीरे धीरे जो बालाजी को दर्शन है वे करवाचो। तो अब थाने में देख रहे हो लाई फ्रेम का वाइन है, हमारे साथ में बालाजी भी है। एक बार थाने में दिखाऊं तो एक बार थोड़ा सा घुमार की कत तो खूबसूरत मंदिर है जो को बनावड़ो है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और सुकून अठा के अलग ही है। और तो देख सको सामने ठीने शिवलिंग भी विराजमान है। ये मंदिर का आकर्षण जो को है एक तो की आप प्राकृतिक एकदम बिल्कुल एकदम नेचुरल जो की है मूर्ति है जो की स्थापित अठ होड़ी है। दूसरी चीज अठा है कबूतर, बहुत ही अलग अलग प्रकार का कबूतर आया करेट है। तो कबूतर के पीछे की कहानी भी है जो की वीडियो आप जान सा। और तो चलो आप चलना फिर। ये मंदिर जो को है वो 31 साल पुराना है। ये मंदिर साहब हजारों साल पुराना है। और यहाँ सबसे बड़ी कहने का मतलब हनुमान जी महाराज जब कहते हैं पुरानी किंवदंती कहानी है कि हनुमान जी जैसे सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे तो कुछ क्षण के लिए यहाँ रुके। कहना मतलब मान लो रुके जो उसकी आकृति इस चट्टान पे उभर गई। क्या साहब, जब से हम कहना मतलब पहले तो बहुत कम मनुष्य आते थे यहाँ, बहुत कम मनुष्य। अब धीरे धीरे 94 के बाद में ये इतना निर्माण चल रहा है जो भी आप निर्माण देख रहे हो। मंदिर ओपन थे ये, बरसात सर्दी गर्मी बरसात में सब ओपन थे। कैसा उसके बाद में ये मंदिर का निर्माण शुरू किया। ये मंदिर आपके सामने कितनी भव्यता है। और यह सबसे बड़ी आप हिंदुस्तान अपने राजस्थान में कहीं पर भी घूम जाओ, ये पक्षियों के जो आनंद है पक्षियों के अनाज डालने का ये आपको कहीं नहीं मिले। सबसे बड़ा परमार्थ ये होता है यहाँ एक मुठ्ठी अनाज से शुरू किया हमने। आज नियमित 3 बोरी 4 बोरी 5 बोरी पक्षियों का अनाज नियमित। और ये जो देख रहे हो रंग रूप बिल्कुल नेचुरल और प्राकृतिक। जनाब आप बात करें प्रेम शंकर जी तो मंदिर की बात करें तो जहाँ हनुमान जी कुछ क्षण के लिए रिया तो जो आप मूर्ति आप जी के देख रहे हैं और जी के अंदर एक बालाजी को जो कि एक प्रतिमा एक आकार जो को दिख रहे हैं तो वो नेचुरल है या फिर मतलब सिंदूर बनावट है क्या नेचुरल और स्वयंभू। स्वयंभू को मतलब अपने आप ऑटोमेटिक प्रकट हुए हैं। और ये जो ऊपर आप वार देख रहे हो ये सब सिंदूर मालिश होती है ना भगवान के, जब भी नया श्रृंगार होता है उसकी मालिश होती है, ये सब सिंदूर का उभार है। अच्छा, मतलब कि आ तो मतलब जो सिंदूर चढ़ाए जाए तो भी वजह से वो उभार तो अब लाग रहे है। कहीं मान्यता जो कोई भी हर मंदिर में कुछ ना कुछ मान्यता जरूर लोगों की जरूरी रिया करे अठे कहीं मान्यता है। यहाँ सबसे बड़ी मान्यता है जो भी श्रद्धा से भाव से यहाँ आता है उसकी भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। आप पीछे देखो कितने लच्छे बन रहे, आप घूमे होंगे परिक्रमा में पीछे कहना मतलब बहुत से आदमी अपनी मनोती यहाँ पूर्ण करने के लिए कुछ कुछ बांध के जाते हैं। अच्छा, मनोती का धागा बांध के जाते हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये स्वरोजगार हनुमान जी भी कहते हैं इनको, स्वरोजगार। अच्छा, स्वरोजगार हनुमान जी। हाँ, जो भी यहाँ आ जाता तन मन से 5 मंगलवार 7 मंगलवार को भाई मेरे को ये काम होना, मेरे को नौकरी लगाना, तो भगवान उसको नौकरी भी लगा। तो मतलब काफी युवा भी फिर आता होगा। बहुत आते हैं, भीलवाड़ा वालों की पहली पसंद ये। मतलब कि बहुत सारी जगह यहाँ की दार्शनिक स्थल वाला लोग खराब करता रहेगा बातचीत बिल्कुल। आप देखो कहीं पर आपको पान का थुका गुटका भी थुका हुआ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर 5-7 कर्मचारी नियमित ये देख रेख करते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं हाँ की मतलब साफ सफाई को ध्यान रख रहे हो। एक चीज बड़ी खास बात में बट पूरा पुर का मायने देख रहे हो कि अटे एक सुकून अलग ही प्रकार को एक शांति अलग ही है। एक पीछे कई कारण है यहाँ पर बड़ो हरियाली जहाँ अठे भी आप देख रहे हैं मंदिर है पास में खेती भी हो रही है सब कुछ हो रहा है तो सुकून के। यहाँ सबसे बड़ी बात शांति है। यहाँ भगवान का आध्यात्मिक काम ही होता है, गलत गतिविधियां कभी नहीं होती। और यहाँ मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति बिल्कुल अटे आज चीज तो मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि जो भी पुर का जगह स्थान है वहाँ अंदर एक सुकून और शांति बड़ी ही जबरदस्त है। एक आप देख रहे हैं कि कबूतर के बारे में बात जब अगर क्यारा का बालाजी को नाम आवे तो कबूतर को एक जो गधा बारा लागेड़ो है तो एक बारे में थोड़ा बताओ फिर आप कबूतर के बारे में बात कर जाए। गधा तो जैसे हमारे एक पुर के भक्त है ना, उनके कोई मनोकामना पूरी की तो उन्होंने कहने बोले 10-1 लाख रुपए खर्च करके ये गधा बनवाई। ये 6 क्विंटल का पत्थर था, इसको अब ये 51 क्विंटल का पत्थर है, पत्थर की गधा है। तो 51 क्विंटल का गधा है उसको है। और मैं शायद आज तक देखी को ना कोरकोट कोई दूसरी जगह पर जगह दर्शक आप ना देख रहे हैं अगर थे आसपास में
या आसपास में कोई यान को गधा थे देखियो कौन देखियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर था जरूर बताना है। अब आप बात करें कबूतर के बारे में तो जियान थे बता रहे एक मुट्ठी हूँ स्टार्ट करें तो कहीं कहानी रहे थोड़ी जर्नी कबूतर की रही भाभी बताओ इसके ना मतलब इससे बालाजी कर पाया था ये चट्टानों में बाघ लग रहा है ये भी बालाजी कर पाया और एक मुट्ठी दाने से हमने तो जो बालाजी ने प्रेरणा दी वो काम किया यहाँ पर एक मुट्ठी से धीरे धीरे बोरी दो बोरी तीन बोरी चार बोरी पाँच बोरी तक कभी कभी तो आठ आठ बोरी भी पक्षियों का अनाज खिला दिया सर्दी और बरसात में 800 किलो अनाज पड़ रहे तो अबार में भी जगह पर खड़े हूँ जटे पक्षी है जगह आया करे है देखो दाणु है जो डाले जा रहे हैं और फैलाए जा रहे हैं अभी ने और नियमित अध्याय बता रहे हैं साफ सफाई भी है कि होती रहा करे और देखे वाला पक्षी है जगह आ रहे है और भी जो मंदिर को जो सिकर है बिको पर बार शिखर पर बैठवा लाग रहे हैं और बता रहे हैं कि बिका बाद में जगह पक्षी है 88 और अभी मैं थाने एक चीज और दिखा दूं कि ऐसे का तार है जहाँ शंकर जी बता रहे हैं कि अठे पूरी पंगत लगा रहे है जगह पक्षी है जगह बैठा कर रहे है और साथ ही साथ का मायने अब पक्षियों के लिए विश्राम ग्रह के दो चाहे एक अभी अठे बना रखी है यहाँ कह दो कि भाई पक्षियों के लिए धर्मशाला बना रखी है किराया वन देने को पड़ा अगर खाली हुए थोड़ा ज्यादा हो जाए तो 8000 आराम भी कर सके है वहाँ आराम की व्यवस्था पूरी करेड़ी है तो अभी आपा थाने दिखा दी पक्षियों की धर्मशाला दाणो है जो डलगो है अब इंतजार है तो कबूतरा को है जो थोड़ी देर में आवाड़ा है तो ये अपने साथ में है शंकर जी आप वहाँ से बात करी और जी आन माने तो ठार बहुत बढ़िया लगी है थाने दर्शन करके आने का लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सको हो और आज मैं थाने आज का वीडियो का मायने जो को आपने क्यारा का बालाजी जो को है बिको दर्शन में करवाया एक बार दर्शकों की थोड़ी आ भी एक बड़ी बार ये अगर है कि अगर वे आबो से आए तो क्या नठा सके भाभी थे थोड़ा सा दर्शकों बता दियो अगर जब मान लो कि कोई दूसरा शहर मतलब जयपुर आ रहे है कोई और खटे आ रहे है तो क्या नठा सके कहीं कहीं साधन पूरे हिंदुस्तान के कहने मतलब यहाँ दर्शनार्थी आते हैं पूरे हिंदुस्तान के हर जैसे हर राज्य के कैसा भिलवाड़ा आना भिलवाड़ा से आने के लिए यहाँ बस टेम्पो भी मिलता है 20 रुपये टेम्पो लेंगे टेम्पो यहाँ आपको छोड़ के चला जाए बैठे हूँ 20 रुपये लगा 20 रुपये टेम्पो लेते हैं किराया टेम्पो और मोबाइल में भी आपका सब है इसमें का अपने मान लो पर्सनल गाड़ी से भी आना चाहते हो तो मोबाइल में इसका वो क्या होता है ना गूगल मैप हाँ गूगल मैप लोकेशन है तो जी हाँ प्रेम शंकर जी अपन बताया है कि अगर थे कोई भी जगहों आ रहे हो तो थे पहले भीलवाड़ा हो भीलवाड़ा से लगभग 10-12 किलोमीटर हो 10-12 किलोमीटर की दूरी के ऊपर क्यारा जी को बालाजी को मंदिर है और आबा के लिए अठे जो टेम्पू भी थाने मिल जाती साथ ही साथ में अगर थे पर्सनल आ रहे हो तो गूगल मैप पर लोकेशन देकर भी थे आ सको हो वीडियो थाने क्या उनको लगे कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बताना साथ साथ वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है झलको राजस्थान आपने जो चैनल है बिना सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है बिना भी दबा लेना है मत हको दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ जय हिंद जय राजस्थान।